Hello everyone, welcome to our channel CMA Hub. So guys, this is the much awaited video on our channel. In this video, I will tell you regarding the procedure how to convert from old syllabus to new syllabus. Video ko pura end tak dekhiyega, main aapko step by step procedure bataunga. तो अब सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता ना यार, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस कन्वर्जन तो मैंडेटरी है, ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस कन्वर्जन नहीं होने वाला, राइट? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ICMA की वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपना सिलेबस कन्वर्जन करवाना होगा। फीस की बात करूँ तो ₹250 कन्वर्जन चार्जेस की फीस है। हाँ, अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 600 पर बुक फॉर इंटर एंड 700 पर बुक फॉर फाइनल आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो PDF में से भी पढ़ाई कर सकते हैं और ओनली कन्वर्जन फी पे करके अपना सिलेबस कन्वर्जन करवा सकते हैं। फर्स्टली वी विल गो टू ICMA वेबसाइट। वेबसाइट खुलते ही आपको टॉप राइट कॉर्नर पर ऑनलाइन एडमिशन का सेक्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको पिंक कलर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट। जी हाँ, इसी के ऊपर क्लिक करके हमें सिलेबस कन्वर्जन करवाना है। सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। जिन लोगों ने लॉगिन अकाउंट नहीं बनाया हुआ, सिंपली साइन अप करके आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं और कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब जो ये इंटरफेस हमारे सामने खुल चुका है, इसे कहते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड। यहाँ पर मेरी सभी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स टाइप एक्सेट्रा। ऑप्शंस पर जाकर आपको सेकंड नंबर पर क्लिक करना है, व्यू स्टेटस फॉर सिलेबस कन्वर्जन। यहीं पर आपको अपना स्टेटस दिखेगा कि सिलेबस कन्वर्जन कैसे करना है। यहाँ पर सिंपली आपने सबमिट रिक्वेस्ट फॉर सिलेबस कन्वर्जन कर देना है। क्योंकि मैंने पहले से ही किया हुआ है तो मेरा स्टेटस आपको यहाँ दिख रहा होगा, अप्रूव्ड लिखा है और ये भी लिखा है करंट सिलेबस टू न्यू सिलेबस, और सबमिट डेट भी बताई हुई है 29 तारीख को मैंने किया था। मुझे सिंपली क्या करना है, बस फीस पे करनी है, उसके बाद ही जो मेरा अप्रूव होगा सिलेबस कन्वर्जन। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल चुका है। अब इस पोर्टल पर आकर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको कौन सी बुक्स चाहिए या कौन सी बुक्स नहीं चाहिए। जो जो बुक्स आपको चाहिए आपने सिंपली उनके ऊपर सिलेक्ट कर देना है और आप देख सकते हैं कि नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगी। जैसा कि दिख रहा होगा, मैंने कोई भी बुक सिलेक्ट नहीं की तो मेरी खाली कन्वर्जन फी आ रही है ₹250। या मैं किसी भी बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पर बुक का प्राइस मैंने आपको बताई है 600 फॉर इंटर है, तो उसका टोटल प्राइस नीचे आ जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करके हम सिंपली फी पे कर देंगे। अब खुल चुका है पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन। आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से। तो मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब भैया पता कैसे लगेगा कि हमारा सिलेबस कन्वर्जन हो चुका है? दोबारा से आपको जाना है गो टू डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर फिर से मैं ऑप्शंस पर करूंगा और व्यू स्टेटस फॉर सिलेबस कन्वर्जन करूंगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको स्टेटस दिख रहा होगा, जहां पर अप्रूव्ड था अब यहाँ पर कम्प्लीटेड आ चुका है, पेमेंट सक्सेस भी आ चुका है, यानी कि मेरा सिलेबस कन्वर्जन सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट रिसिप्ट भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे इस डाउनलोड पर क्लिक किया तो आपके सामने मेरी पेमेंट रिसिप्ट भी आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है ₹250। तो इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, कैसे आपने ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्जन करवाना है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं वहां भी आपको जवाब दे दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।